अब सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग है मल्टी स्टेज ग्राफ. अब मल्टी स्टेज ग्राफ इज़ ए डायरेक्टेड ग्राफ इन विच द नोड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ स्टेजेस. इसमें क्या गिवन होगा, हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ होगा, यानी डायरेक्शंस दी होंगी, एरोज होंगे, जिसको हम स्टेजेस में डिवाइड करेंगे. ठीक है, नोड्स को हम स्टेजेस में डिवाइड करेंगे जो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. हेयर वी हैव गिवन अ मल्टी स्टेज ग्राफ, हमें एक मल्टी स्टेज ग्राफ होगा. अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स गिवन होगी. वी नीड टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. हमें क्या करना होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा. वी कंसिडर सोर्स एट स्टेज वन, हमेशा स्टेज वन में हम किसको कंसिडर करेंगे, सोर्स को, एंड डेस्टिनेशन एट लास्ट स्टेज. तो सोर्स हमेशा स्टेज वन में होगी और डेस्टिनेशन हमेशा कहाँ होगी, लास्ट स्टेज में होगी. अब इस मल्टी स्टेज प्रॉब्लम को, जो सोर्स से डेस्टिनेशन का जो हमें शॉर्टेस्ट फाइंड करना है, उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. एक है फॉरवर्ड अप्रोच, एक है बैकवर्ड अप्रोच. फॉरवर्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, हेयर वी स्टार्ट फ्रॉम डेस्टिनेशन वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं. और बैकवर्ड अप्रोच में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स. तो फर्स्ट हम देख रहे हैं फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉल्व मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम. तो फॉरवर्ड अप्रोच है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेस्टिनेशन से. यहाँ आपको सोर्स गिवन है, वन जो है वो सोर्स है और नाइन जो है वो डेस्टिनेशन है. तो ये मल्टी स्टेज ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसको हमने स्टेजेस में डिवाइड किया. तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई, क्योंकि सोर्स हमेशा फर्स्ट स्टेज में होती है और डेस्टिनेशन वर्टेक्स हमेशा लास्ट स्टेज यानी में होगी, लास्ट स्टेज में होगी. तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में ये दो नोड्स आ गए, ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज, ये फिफ्थ स्टेज. तो हमने मल्टी स्टेज ग्राफ को फाइव स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है. अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है आपको, और उसमें क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है स्टेज, वर्टेक्स, कॉस्ट और डी. स्टेज हमारी फाइव थी. अब वर्टेक्स हमने लिखी, कितनी वर्टेक्स है हमारी, वन से लेकर नाइन तक. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने लिख लिया. उनकी कॉस्ट क्या है वर्टेक्स वन की, ये हमें निकालनी है. ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, अगर कैलकुलेशन में देखेंगे, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको गिवन नहीं. पहले हमने वर्टेक्स लिख ली वन से नाइन, वन वर्टेक्स स्टेज वन की है, टू और थ्री स्टेज टू की है, फोर फाइव सिक्स स्टेज थ्री की है, और सेवन एट स्टेज फोर की वर्टेक्स हैं, और नाइन जो है वो फिफ्थ स्टेज की है. ये दोनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन फॉरवर्ड अप्रोच वी स्टार्ट कैलकुलेशन फ्रॉम डेस्टिनेशन वर्टेक्स. ये आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड अप्रोच है, बट हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेस्टिनेशन से. लेकिन इसे फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा. तो यहाँ पर जो है सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेज फाइव यानी डेस्टिनेशन स्टेज से स्टार्ट करना है. तो इस कॉस्ट ऑफ फाइव नाइन आपको निकालनी है, फिफ्थ स्टेज के नाइन्थ नोड की कॉस्ट आपको ज़ीरो लेनी है. ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करना है, आपको ज़ीरो करना है. और आप नाइन से कहाँ पर पहुँचोगे, नाइन वर्टेक्स से, इससे आगे कोई वर्टेक्स है ही नहीं, तो इसमें आप एंट्री कर दोगे नाइन. ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट एंट्री हो गई है, ये ज़ीरो हो गया, ये नाइन हो गया. अब हम स्टेज फोर पे आएंगे, हम रिवर्स चलेंगे, फाइव स्टेज फिर फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन पे आएंगे. फिर हम आए फोर्थ स्टेज पे. फोर्थ स्टेज पे क्या है, एक सेवन नोड है, एक एट है. तो हमें कॉस्ट दोनों की निकालनी होगी, कॉस्ट ऑफ फोर सेवन, फोर्थ स्टेज के सेवन्थ नोड की और फोर्थ स्टेज के एट्थ नोड की, इन दोनों की कॉस्ट निकाली होगी. पहले आता है स्टेज नंबर, फिर आता है वर्टेक्स. तो फोर्थ स्टेज में दो नोड्स हैं, सेवन और एट, इन दोनों की हमें कॉस्ट निकालनी होगी. और वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ, हमें ये देखना होगा मिनिमम ऑफ यहाँ से यहाँ तक जाने की इस एज की कॉस्ट. और एज की कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से. तो सेवन से नाइन तक की कॉस्ट, तो सी ऑफ सेवन नाइन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस नोड, इस नोड का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइव नाइन. तो हमें क्या करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्टेक्स से वो कंबाइन है, तो सिर्फ यही कॉस्ट आएगी. तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो सी ऑफ सेवन नाइन कितना है, सेवन, और कॉस्ट ऑफ फाइव नाइन हम निकाल चुके हैं ज़ीरो. तो ये ज़ीरो आ गया, इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, सेवन. तो हमें कॉस्ट ऑफ फोर सेवन यानी कि ये वाली वैल्यू मिल गई सेवन. और यहाँ से आप कहाँ पर पहुँच रहे हो, इस कॉस्ट को लेके नाइन्थ वाले नोड पे पहुँचोगे. तो ये हमने नाइन लिख लिया. ठीक है, ये नाइन कैसे आया, ये नाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो वैल्यू है सेकंड वाली वैल्यू, ये हमारी है डी की वैल्यू. तो डी ऑफ सेवन
वो क्या हो जाएगा हमारी 9 वैल्यू, तो यहाँ पर 9 आ गया, डी की वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि मैंने आपको बताया था डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो वैल्यूज़ पहले से ही कैलकुलेट हो चुकी होती हैं उनको यूज़ किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर मेमोराइजेशन हो रहा है, पहले इसकी कॉस्ट क्योंकि निकल चुकी है तो फिर से रिकम्प्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली इस टेबल से हम एक्सेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 4,8। तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ C89 प्लस कॉस्ट ऑफ 59। तो सी ऑफ 89 हमें कितना दिख रहा है, 3, प्लस कॉस्ट ऑफ 59 क्या निकाल चुके हैं हम, 0। तो वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3। अब ये 9 कैसे फाइंड आउट होगा, हम इसकी ये सेकेंड वाली वैल्यू देखेंगे। तो डी ऑफ 8, ये डी ऑफ 7 निकला था इससे, इससे डी ऑफ 8 निकलेगा इक्वल्स टू 9। तो डी ऑफ 8 में आ गई 9 वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब हमें आगे जाना है, अब हम किस स्टेज पे आ जाएंगे, थर्ड स्टेज पे। हम थर्ड स्टेज पे आप किस किस की कॉस्ट निकाली होंगी, यहाँ तीन है, कॉस्ट ऑफ 3,4, कॉस्ट ऑफ 3,5, कॉस्ट ऑफ 3,6। हमें तीनों की निकालनी होगी, पहले हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ 3,4, थर्ड स्टेज फोर्थ नोड। अब हम देखेंगे कि ये जो फोर्थ नोड है वो ये वाला जो है वो किस किस से कनेक्टेड है, वो किस से कनेक्टेड है, 7 से कनेक्टेड है, और किस से कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों की हमें नोड की कॉस्ट और इन एजेस की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। तो सी ऑफ 4,7 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,7, सी ऑफ 4,7 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,7, ठीक है। इन दोनों में से हमें मिनिमम लेना है, तो इसकी भी हम लेंगे और इसकी भी कंसिडर करेंगे, सी ऑफ 4,8 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,8। तो इन दोनों में से जिसकी कॉस्ट हमें मिनिमम लेगी उसको हम ले लेंगे। तो सी ऑफ 4,7 कितना है, 1, और 4,7 की हमने कॉस्ट कितनी निकाली थी, 7। 4,8 की कॉस्ट, एज की कॉस्ट क्या है 4,8 की, 4, प्लस कॉस्ट ऑफ 4,8 कितना है, 4,8 है 3। तो इन दोनों वाली वैल्यूज में मुझे किस में वैल्यू मिनिमम मिलेगी, क्योंकि मिनिमम लेना है हमें, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो वैल्यू आई 7। तो 7 जो है किसकी वजह से आई है, इस एक्सप्रेशन की वजह से, ठीक है। तो कॉस्ट तो 3,4 की, 3 ऑफ 4 की क्या आ गई हमारी, 7 वाली वैल्यू 7 आ गई। लेकिन ये 8 कैसे आएगा, डी ऑफ 4, ये वाले नोट डी ऑफ 4 इक्वल्स टू किसकी वजह से ये कॉस्ट आई थी, 7 इसकी। तो यहाँ पर हमें एंट्री क्या दिख रही है, 8। तो डी ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। डी ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 8। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 3,5। तो कॉस्ट ऑफ 3,5 कैसे निकालेंगे हम, थर्ड स्टेज किसकी, अभी किस किस से कनेक्टेड है, 7 से भी कनेक्टेड है, 8 से भी। तो इन दोनों में जिसका मिनिमम होगा, तो पहले लेंगे हम सी, इस एज की कॉस्ट, सी ऑफ 5,7, सी ऑफ मिनिमम ऑफ सी ऑफ 5,7 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,7, कॉस्ट ऑफ 4,7। और क्या लेंगे, वो किससे कनेक्टेड है, इससे, सी ऑफ 5,8, सी ऑफ 5,8 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,8, कॉस्ट ऑफ 4,8, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5,7 की कितनी वैल्यू थी, 6, और कॉस्ट ऑफ 4,7 कितनी हम निकाल चुके हैं, कॉस्ट स्टेज 7th नोड की कितनी थी, 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ 5,8 कितनी है, एज कॉस्ट कितनी है, 2, प्लस स्टेज 4th के 8 नोड की कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, 3। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम 5, और किसकी वजह से आई है, सेकेंड वाले से। तो डी ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो डी ऑफ 5। तो कॉस्ट कितनी आ गई, 3,5 की, थर्ड स्टेज की 5 नोड की आ गई 5, और उसकी डी वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो सिमिलरली इस टाइप से हम सारे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट 3,6 हम कैसे निकालेंगे, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो इस कॉस्ट की, इस एज की कॉस्ट प्लस इस नोड की कॉस्ट प्लस इस एज की कॉस्ट प्लस इस नोड की कॉस्ट, इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 3,6 जो है हमने ले ली,
तो हमें वैल्यू आ गई 5, और डी वैल्यू क्योंकि 5 इस एक्सप्रेशन से है तो इसकी डी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे 5 और 8, 3 6 की कॉस हमारी आई 5 और डी की वैल्यू आई 8। अब थर्ड स्टेज के बाद हम सेकेंड स्टेज में जाइए। हमें सेकेंड स्टेज में कॉस्ट ऑफ 2,2, कॉस्ट ऑफ 2,3। अब इसमें हम देखेंगे कि ये किससे कनेक्टेड है, इन दोनों से है। अब इसकी कॉस्ट इसमें नहीं चाहिए तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑफ 2,4 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,4, थर्ड स्टेज के फोर्थ नोड। मिनिमम ऑफ ये 3 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,4, और इस एज की कॉस्ट, इस एज की कॉस्ट प्लस इस नोड की कॉस्ट, तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पर हमने यहाँ पुट कर लिया, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर पुट किया है तो मुझे वैल्यू मिल गई है 8। और ये इस एक्सप्रेशन की वजह से आई, तो ये एक्सप्रेशन यानी कॉस्ट किसकी ली गई होगी, तो इस टाइप से हमने लिया फॉर्मूला और हमें ये 8 वैल्यू इस वैल्यू इसकी वजह से आई, और यहाँ पर ये क्या थी वैल्यू 6, तो डी ऑफ 2 क्या मिल जाएगा हमें 6। तो कॉस्ट ऑफ 2,2 क्या हो गई है 8, तो कॉस्ट ऑफ 2,2 हमें मिली है 8 और डी वैल्यू क्या मिली है उसकी 6। अब सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 2,3 में ये देखो तीनों से कनेक्टेड है, तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लेंगे, तो सी ऑफ 3,4 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,4 कॉमा सी ऑफ 3,5 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,5 सी ऑफ 3,6 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,6। इनमें से तीनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हम लेंगे, तो वैल्यू आई 10 इस एक्सप्रेशन की वजह से। और ये एक्सप्रेशन कैसे बना था, तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप से बना था, सी ऑफ 3,5 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,5, तो ये वाली वैल्यू क्या है 5, तो डी ऑफ 3 क्योंकि इससे हम सेकेंड वाले से देखते, तो डी ऑफ 3 कितना मिल गया हमें 5। तो 2,3 की वैल्यू स्टेज 2 के थर्ड नोड की वैल्यू कॉस्ट क्या आई हमारी 10 और डी वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम कहाँ आ जाएंगे स्टेज 1 पे, तो हमें निकालनी होगी कॉस्ट ऑफ 1,1, तो मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा सी ऑफ 1,2 प्लस कॉस्ट ऑफ 2,2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1,1 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ सी ऑफ 1,2 प्लस कॉस्ट ऑफ 2,2 सी ऑफ 1,3 प्लस कॉस्ट ऑफ 2,3। तो इनको जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो वैल्यू 12 आई सेकेंड एक्सप्रेशन से, और ये सेकेंड एक्सप्रेशन कैसे आया था, तो ये इस एक्सप्रेशन से आया, तो इसमें ये सेकेंड वैल्यू क्या है 3, तो डी ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो ये हमने एंट्री कर दी, कॉस्ट इसकी आई है 12 और डी वैल्यू क्या आई है 3। तो हम फॉर्मूला क्या निकाल रहे थे, किसी भी कॉस्ट को निकालने के लिए पहले लिख रहे थे स्टेज नंबर, स्टेज 1 का फर्स्ट नोड, तो स्टेज नंबर फिर वर्टेक्स इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ सी ऑफ जे आर। आर क्या था, नेक्स्ट स्टेज का नोड था, अगर ये आई स्टेज है तो ये आर कहाँ का होगा, आई प्लस 1 का होगा वर्टेक्स, तो सी ऑफ जे आर प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस 1 आर। आई प्लस 1 स्टेज के आर्थ नोड पर जो कॉस्ट होगी उससे हम ये फॉर्मूला जनरेट कर रहे थे, तो इसीलिए हम हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू मिन ऑफ सी जे आर प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस 1 आर। तो सी ये बता रहा है एज की कॉस्ट और ये कॉस्ट बता रहा है नोड की कॉस्ट, तो जब भी हम आई स्टेज के नोड की कॉस्ट निकालेंगे वो किस पे डिपेंडेंट होगी, आई प्लस 1 के कॉस्ट पर, और डी ऑफ आई जे या डी जो हमने निकाला है वो किस पे, किसकी इक्वल है हमारा आर के, तो डी ऑफ जे कह सकते हो, डी ऑफ जे हमारा क्या था आर। अब हमने सारे कैलकुलेशंस कर लिए, सबकी कॉस्ट निकाल ली और डी निकाल ली। अब मैंने आपसे कहा था ये फॉरवर्ड अप्रोच है, लेकिन फॉरवर्ड अप्रोच थी फिर भी हम कैलकुलेशन डेस्टिनेशन से स्टार्ट कर रहे थे, डेस्टिनेशन से स्टार्ट कर रहे थे इसलिए फॉरवर्ड अप्रोच नहीं है। ये फॉरवर्ड अप्रोच इसलिए है क्योंकि अब हम जो सीक्वेंस ऑफ डिसीजन लेंगे कि कौन सी वर्टेक्स को लेना है शॉर्टेस्ट पाथ में, वो कहाँ से लेंगे हम, सोर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसमें 1 भी इंक्लूडेड होगा और 9 भी होगा, तो 1 और 9 को हम ले लेंगे, ठीक है। 9 हमारा स्टेज 5 का नोड है और 1 हमारा स्टेज 1 का नोड है, तो नाउ वी विल टेक सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स, क्योंकि हम सीक्वेंस ऑफ डिस्टिनेशन अब सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा नेक्स्ट वर्टेक्स लेना है, इसीलिए इसे फॉरवर्ड अप्रोच बोला जाता है। तो फर्स्ट हमने स्टेज 1 में 1 है क्योंकि हमें 1 से 9 लेना है, ये नोड तो ऑलरेडी होंगे। अब क्या लेंगे हम,
वन से अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पे कहाँ पर जाना है वो किससे पता चलेगा, डी ऑफ वन से। तो डी ऑफ वन की वैल्यू क्या थी, 3। तो यानी नेक्स्ट वर्टेक्स हमारी क्या होगी, सेकेंड स्टेज की क्या होगी, 1 वाली वर्टेक्स। अब नेक्स्ट स्टेज, अब इसकी कॉस्ट आप इससे देख लो, तो 1 से 3 जाने की कॉस्ट क्या है, 2, तो ये हो गई 2 हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट डी ऑफ 3 को देखेंगे, डी ऑफ 3 से हमें नेक्स्ट नोड मिल जाएगा कौन सा लेना है, तो डी ऑफ 3 हमारा क्या है, 5, तो हमें 5 नोड पे जाना है। अब नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए आप किसको देखोगे, डी ऑफ 5 को, तो डी ऑफ 5 को आप देखोगे तो डी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 8, तो डी ऑफ 5 की वैल्यू से हमें नेक्स्ट नोड मिल गया। और 9th जो हमें पता ही है, इनकी कॉस्ट मैंने यहाँ से देख के देख ली, तो मिनिमम कॉस्ट इज 12 एंड मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ जो हमें कैलकुलेट करना था सोर्स से डेस्टिनेशन, वो क्या हो जाएगा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8 और 8 से 9। तो ये थी हमारी फॉरवर्ड अप्रोच इसको सॉल्व करने की।